जैन बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम के पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम आपको बतला दें कि वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में ज्ञात की जाती है। एक स्थिति को हम अच्छी स्थिति अथवा अनुदर्ध स्थिति कहते हैं, जिसे एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, और दूसरी स्थिति होती है निरक्षीय स्थिति यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति, जिसे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पर दो सूत्रों का डेरिवेशन होता है। इन दोनों ये दोनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों सूत्रों में से एक सूत्र बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो हम आपको आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके अंतर्गत अक्षीय स्थिति यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति एंड ऑन पोजीशन में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण हैं, दोनों में से एक आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम पहला डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इस डेरिवेशन को आप सभी लोग अच्छी तरह से समझें। हम मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव, हम मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 2L है। इस डेरिवेशन को आगे पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो के अंत तक लगातार बने रहें ताकि आप सबको अच्छी तरह से ये डेरिवेशन समझ में आए, और इस वीडियो को लगातार अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका बेनिफिट ले सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें और कमेंट भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसमें सबसे पहले अच्छी स्थिति यानी अनुदैर्ध्य स्थिति। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 2L है, ए सिरे पर -Q कूलाम का आवेश और बी सिरे पर +Q कूलाम का आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, एक बात हम आपको बता दें कि अगर यह वैद्युत द्विध्रुव है, ध्यान दीजिए, तो अगर हम इधर के तरफ या इधर के तरफ हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इसको अच्छी स्थिति कहेंगे या अनुदैर्ध्य स्थिति कहेंगे, और अगर वैद्युत द्विध्रुव हम इधर सामने के तरफ या इधर के तरफ हम निकालें तो इसको हम निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति कहेंगे। तो चलें आप ध्यानपूर्वक देखें, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। अब एक चीज हम आपको बता दें कि जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र जरूर होता है।
तो एक प्लस चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस क्यू कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। और देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, देखिए यहां से ये दूरी जो है वो स्मॉल r है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है। जरा हम देखें, ये पूरी लंबाई 2L है तो आधी लंबाई L हो जाएगी। तो अगर इस आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी हम ज्ञात करना चाहें तो यहां से यहां की दूरी स्मॉल r है और यहां से यहां की दूरी स्मॉल l है। ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां की दूरी स्मॉल r है और यहां से यहां की दूरी स्मॉल l है। तो यहां से यहां की दूरी, ये पूरी दूरी r है, उसमें से l घटा देंगे तो यह डिस्टेंस मिल जाएगा आपका r माइनस l। इसी तरह से अगर माइनस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी आप ज्ञात करना चाहें तो देखिए, यहां से यह दूरी r है और यहां से यह दूरी l, तो यह पूरी दूरी हो जाएगी r प्लस l। अब ध्यान पूर्वक देखें, हम प्लस क्यू कूलाम के आवेश के कारण और माइनस क्यू कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। आपको पता है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E=1/4πε0 Q/r² होता है, जहां r आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी होती है। हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखें, अगर हम यहां से E1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1/4πε0 Q/r, r का मतलब प्लस q चार्ज से बिंदु P के बीच की दूरी, तो प्लस q चार्ज से बिंदु P के बीच की दूरी आपने देखा है, ये है r माइनस l और होल का स्क्वायर हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर के तरफ होगी, यानी E1 की जो दिशा होगी वह B से P के तरफ होगी। हम यहां दिशा को दिखाए हैं, B से P के तरफ होगी। और अब हम E2 की वैल्यू अगर निकालें तो देखें क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/-Q कूलाम के आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, तो ये दूरी कितनी है, r प्लस l है, ये हो जाएगा r प्लस l होल का स्क्वायर। और देखिए, ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा ऋण आवेश के तरफ होती है, याद रखे रहिएगा। तो धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से दूर के तरफ होती है और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश के तरफ होती है, यानी P से A के तरफ होगा, इसका डायरेक्शन P से A के तरफ होगा। अगर बिंदु P पर उत्पन्न संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E=2 हो जाएगा E1+E2। अब ध्यान दीजिए, लेकिन एक बात याद रखे रहिए, B से P के तरफ, E1 की दिशा B से P के तरफ है और E2 की दिशा P से A के तरफ है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। जब दिशा विपरीत होगी तो एक का चिन्ह पॉजिटिव और दूसरे का चिन्ह निगेटिव हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू 1/4πε0 q/r-l का स्क्वायर और E2, चूंकि E2 की दिशा विपरीत है इसलिए यहाँ माइनस साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4πε0 और r+l का स्क्वायर और ये है क्यू। अब हम देखें दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और दोनों में से कॉमन 1/4πε0 और क्यू दोनों में से कॉमन है। ये 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l होल का स्क्वायर हो जाएगा और फिर आगे बढ़ते हैं E=1/4πε0 क्यू और फिर यहाँ से हम कॉमन ले लें LCM ले लें r-l का होल स्क्वायर और r+l होल के स्क्वायर का, तो r-l होल का स्क्वायर और r+l होल का स्क्वायर, ध्यान दीजिए r-l होल स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा r+l होल स्क्वायर और r+l होल स्क्वायर से भाग देंगे तो r-l होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ राइट साइड में लिख रहे हैं तो 1/4πε0 क्यू और ये देखिए यहाँ पर a²-b² का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और आप जानते हैं कि a²-b² एक ब्रैकेट में a+b दूसरे में a-b होता है। तो चलिए a+b कर रहे हैं r+l + r-l a+b हो गया और दूसरे में a-b कर रहे हैं r+l - r और प्लस हो जाएगा यल। और नीचे अगर ध्यान से देखें तो r-l का होल स्क्वायर और r+l होल का स्क्वायर, हम चाहें तो इसको एक जगह लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है r-l × r+l होल का स्क्वायर। देखें यल से यल कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका E=1/4πε0 q और r+r हो जाएगा 2r और फिर l+l हो जाएगा ये 2r और l+l हो जाएगा 2l। और यहाँ देखिए यहाँ a-b और a+b का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो a-b a+b a²-b² यानी ये हो जाएगा r²-l² होल का स्क्वायर। फिर एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, ये 1/4πε0 और देखिए q और 2l को हम एक साथ रख ले रहे हैं q × 2l को एक साथ रख ले रहे हैं और ये है 2r। और एक बात मैं आपको बता दूं कि r की तुलना में l का मान बहुत ही छोटा होता है, तो जो मान बहुत छोटा होता है उसको हम नगण्य कर देते हैं, निग्लेजिबल कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो l² को हम छोड़ दिए तो r बचा, तो r² का स्क्वायर है तो r² का स्क्वायर करेंगे तो r⁴ हो जाएगा और फिर r से ये 4 कैंसिल होगा तो क्यूब हो जाएगा। और E=, आप देखें 1/4πε0 और q×2l के बारे में हमने बताया था कि q×2l वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसके जगह पे हम p रख देंगे q×2l = p q×2l = p वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये 2 छुटा हुआ है, 2 यहाँ कर दिए और यहाँ हो जाएगा r³।
तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आप चाहें तो 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये E=2 हो जाएगा 9×10⁹ और ये हो जाएगा 2π/r³। तो इस फार्मूले की सहायता से अगर हमको P मालूम है तो P का मतलब क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मालूम है, और R वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर ये दोनों हमें ज्ञात हो तो इस सूत्र की सहायता से वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, इसलिए इसकी दिशा होगी। तो याद रखे रहिएगा, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा यहां ऋण आवेश से धन आवेश के तरफ होती है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो इस वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। और ये व्यंजक आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, ये डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह का जो दूसरा डेरिवेशन है वो निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति के लिए है, और दूसरा वाला जो डेरिवेशन होगा वो हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि यह डेरिवेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप हमेशा वीडियो को देखते रहें, प्रतिदिन नए नए टर्म का वीडियो अपलोड होता है, आप सभी लोग रेगुलर अध्ययन करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।